नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ अर्पिता माथुर। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। पांचवें चरण के चुनाव प्रचार का थमा शोर। अयोध्या, बाराबंकी और अवध की 61 सीटों पर 692 उम्मीदवारों के भाग्य का होगा फैसला। बीजेपी ने अयोध्या पर किया खास फोकस, 27 को होगा मतदान। प्रियंका गांधी ने किया रोड शो, लोगों से की कांग्रेस को वोट देने की अपील। अपने पैतृक घर संगम नगरी के स्वराज भवन पर लोगों ने किया जोरदार स्वागत। अयोध्या में बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर, सीएम योगी ने झोंकी ताकत। रात्रि विश्राम के बाद निकाला रोड शो। संघ परिवार, बीएचपी और साधु संत भी उतरे मैदान में। बीजेपी के लिए अयोध्या की सीटें जीतना बना प्रतिष्ठा का सवाल। कौशाम्बी में जया बच्चन और डिंपल यादव ने भरी हुंकार, जनसभा को किया संबोधित। योगी सरकार पर साधा निशाना, कहा डबल इंजन की सरकार में बड़ी महंगाई, दूर हुआ रोजगार। और यूक्रेन में फंसे बच्चों ने सरकार से लगाई वापसी की गुहार। यूपी के सैकड़ों छात्र हैं यूक्रेन में। यूपी सरकार ने विदेश मंत्रालय से किया तालमेल। तो अब रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और अब तक 4 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। पांचवें चरण के लिए 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव प्रचार थम गया, जिसके बाद अब डोर टू डोर प्रचार पर जोर रहेगा। तो वहीं पांचवें चरण में गांधी परिवार का गढ़ रही अमेठी में कांग्रेस की अग्नि परीक्षा है। इस चरण में सुल्तानपुर, अयोध्या, बाराबंकी जैसे अवध के जिले हैं जहां पर बड़े राजनेता मैदान में हैं। आपको बता दें कि यूपी के 7 चरणों के चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें इसी चरण में हैं। तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश से इस की खबर है, जहां पर निर्वाचन विभाग ने चुनावों को लेकर कमर कस ली है। जहां चौथे चरण के चुनाव हो चुके हैं, वहीं पांचवें चरण के चुनाव से पहले चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। ऐसे में देखना होगा क्या कुछ मतदान प्रतिशत यहां रहता है। 12 जिलों की 61 सीटों पर मतदान होना है। आपको बता दें 692 उम्मीदवारों का भाग्य तय किया जाएगा, जहां निर्वाचन विभाग ने चुनाव प्रचार का शोर थाम लिया है। आपको बता दें पांचवें चरण में अयोध्या से लेकर अमेठी तक मतदान होना है। 12 जिलों की 61 सीटों पर मतदान प्रक्रिया रहेगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हैं फोन लाइन पर उत्तर प्रदेश के स्टेट हेड अमरीश सिंह। जी अमरीश, क्या कुछ ताजा अपडेट मिल रही है? पांचवें चरण का चुनाव होना है अब। देखिए, पिछले 4 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है, पांचवें चरण का मतदान है और पांचवें चरण का जो मतदान है ये लीड लेने का मतदान है, क्योंकि दोनों ही जो भी बड़ी पार्टी यहाँ पे हैं, जो फाइट में हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, दोनों ही तरफ से अभी तक ये कहा जा रहा है कि हम बढ़त में हैं और हम चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं। तो दोनों ही की ये जो दशा है और दिशा है यहाँ से तय होगी। लेकिन अगर बात करें राजनीतिक समीकरण की, तो जिस तरीके से राजनीतिक समीकरण बनते हैं, पश्चिम का क्षेत्र अगर छोड़ दिया जाए तो ये जो अवध क्षेत्र है, अवध क्षेत्र पर 2017 की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव रहा है जी। और चूंकि ये जो क्षेत्र है अयोध्या, बाराबंकी, ये प्रयागराज, इन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी 2017 में अपने वर्चस्व इसने अपना बनाया था। 2014 में
जब लोकसभा में नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी तभी से भारतीय जनता पार्टी इन सीटों पर अपना प्रभुत्व साबित कर चुकी है और अब आने वाले समय में उस इस वर्चस्व को, इस बढ़त को बनाए रखना भारतीय जनता पार्टी के लिए असली अग्नि परीक्षा भी है। खासकर अयोध्या वाला क्षेत्र, राम मंदिर का फैसला आने के बाद ये विधानसभा का चुनाव है और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जो कि हिंदुत्व का बड़ा चेहरा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और अगर बात करें राजनीति की तो हिंदुत्व का जो एजेंडा और हिंदुत्व का जो एक मोटो लेकर भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ चलते हैं वो आज की तारीख में अगर बात करें तो वो वोट बैंक हिंदुत्व का किसी और पार्टी या किसी और चेहरे के पास नहीं है। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के शिखर पर जो व्यक्ति आज शायद चढ़ता हुआ दिख रहा है वो भारतीय जनता पार्टी में योगी आदित्यनाथ ही दिखते हैं और ऐसे में उनके वर्चस्व के लिए भारतीय जनता पार्टी के अक्स के लिए इन सीटों पर जीत दर्ज करना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी खासकर अखिलेश यादव की तरफ जिस तरीके से जनता का रुझान इस चुनाव में बढ़ा है उससे भारतीय जनता पार्टी की राह जो है वो मुश्किल है। लेकिन सीटों का समीकरण और इन अवध क्षेत्रों पर जिस तरीके से प्रभाव भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कुछ समय में बनाया है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ पॉजिटिव है, लेकिन फ्रंट फुट पर खेलने के लिए मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि इन चरणों के बाद जो दो पूर्वांचल के क्षेत्र बचेंगे उन क्षेत्रों पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी बराबर की स्थिति में दिखती है। इसलिए इस सीट पर, खासकर अवध की सीट पर, भारतीय जनता पार्टी को अगर चुनाव जीतना है या समाजवादी पार्टी को चुनाव में आना है तो उसके लिए बड़ी बात है। लेकिन खासकर अगर बात करें लखनऊ और अवध क्षेत्र जो है, ये 21 जिले जो है लखनऊ अवध को जोड़े हुए, इन 21 सीटों पर एक समय ऐसा था जब मायावती का प्रभाव रहा करता था, लेकिन समय के साथ 2014 के समय चक्र के बाद से भारतीय जनता पार्टी इस इन क्षेत्रों में अपनी स्थिति अपने बहुमत के साथ स्पष्ट कर चुकी है कि यहाँ की जो जनता है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति ज्यादा अच्छी स्थिति में है बशर्ते अन्य पार्टियों की स्थिति में। जी बिल्कुल अम्बरीश, हम बात करेंगे अगर अमेठी की तो काफी हॉट सीट माना जाता है उसे भी, तो वहाँ पे क्या स्थिति रहेगी? देखिए अमेठी में राहुल गांधी को 2019 में स्मृति ईरानी ने हराया था जी, फलस्वरूप उनको मंत्री पद दूसरी बार मिला भी था, लेकिन अमेठी के अस्तित्व को बचाने के लिए, क्योंकि रायबरेली और अमेठी ये दो संसदीय क्षेत्र ऐसे थे उत्तर प्रदेश में जहां कहीं भी पार्टी चुनाव हारती थी कांग्रेस, लेकिन इन दो सीटों पर हमेशा से जीत हुई थी, लेकिन अब समय के साथ वो भी खेल बदला, अमेठी में राहुल गांधी चुनाव हारे। लेकिन ये जो अमेठी की सीटें हैं इन सीटों पर अपनी अगर बात करें अपने वजूद को बचाना कांग्रेस के लिए एक बड़ी बात होगी, क्योंकि अपने वजूद के लिए लड़ाई लड़ रही है कांग्रेस। क्योंकि रायबरेली की सदर सीट की बात करें 1993 से जो सीट कांग्रेस के खाते में रहा करती थी अखिलेश सिंह की, जहां से उनकी सुपुत्री 2017 में चुन के कांग्रेस के टिकट पर ही विधायक बनी विधानसभा गई, उन्होंने भी अब पार्टी को छोड़ दिया है, तो वहां पे भी कांग्रेस की नजर होगी कि अदिति सिंह को हराई जाए वो सीट किसी भी तरीके से और ये दिखाया जाए कि कांग्रेस के बलबूते। जी बिल्कुल अम्बरीश, उनके घर में जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने सुल्तानपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने अपने संबोधन में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कार सेवकों पर गोली चलाने वाले आज राम भक्तों की कतार में लगकर कार सेवा करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मैंने कहा भी देखो आज तो एक्सप्रेस हाईवे भी है, मेडिकल कॉलेज भी है। हमारे समय तो पैसा ही नहीं था। तो वहीं यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में रोड शो किया, जहां सीएम योगी के दौरे को लेकर पूरी रामनगरी भगवा में नजर आई। वहीं सीएम योगी ने अयोध्या में रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन भी किए। इस दौरान उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया, साथ ही सीएम योगी के रोड शो में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखने को मिले। इस बीच सीएम योगी ने भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में मतदान की अपील भी की।
और जहां कौशाम्बी के सिराथू में पूर्व सांसद डिंपल यादव और अभिनेत्री जया बच्चन ने जनसभा को संबोधित किया। साथ ही समाजवादी पार्टी प्रत्याशी पल्लवी पटेल के समर्थन में मतदान करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। वहीं यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। इसी के चलते कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अपने पैतृक घर संगम नगरी के स्वराज भवन पहुंची, जहां प्रियंका ने कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो किया। प्रियंका के शहर उत्तरी के प्रत्याशी और पूर्व विधायक अनुग्रह नारायण सिंह के समर्थन में रोड शो किया गया। साथ ही प्रियंका गांधी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय लक्ष्मी टाकीज चौराहे से नेत्राम चौराहा तक लोगों के घर घर जाकर कांग्रेस के पक्ष में मतदान की अपील की। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपने दो दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। इस दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर और संकट मोचन मंदिर में दर्शन करने के बाद कांग्रेस कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान हरीश रावत ने बीजेपी पर कोरोना के दौरान विफल प्रयासों को लेकर वार किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चित्रकूट में चुनावी जनसभा को संबोधित किया, जहां पर विरोधियों पर वार करते हुए सीएम योगी ने बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की। बीजेपी के 5 साल के काम को गिनाते हुए समाजवादी पार्टी को डकैत और आतंकवाद समर्थक पार्टी बताया। योगी ने कहा कि बीजेपी की सरकार बनेगी तो होली दिवाली फ्री में गैस मिलेगी और इसी विकास से सपा के लोग परेशान हैं। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव पर अयोध्या में राम मंदिर और हनुमानगढ़ी पर दर्शन पूजन करने की चुनौती दी है। हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास ने ठिठोले लेते हुए कहा कि जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, राम जन्मभूमि पर हमला करने वाले आतंकवादियों को छुड़ाने का साथ दिया, वो आज अयोध्या आ रहे हैं। राम भक्तों से माफी मांगने और पश्चाताप करने की बात भी कही गई। का साथ दिया जिसने जो राम जन्मभूमि में आतंकवादी हमला किए, अयोध्या में आतंकवादी पकड़े गए थे उनको छुड़वाने का काम किया, वो भी आज अयोध्या आ रहे हैं। मैं उनको चुनौती देता हूं आप लोग के चैनल के माध्यम से, यहां का साधु संत पूछता है माननीय अखिलेश उद्दीन जी आपसे, अगर आप हिंदू हैं तो आपके समकक्षी मुख्यमंत्री 54 बार अयोध्या आते हैं, जब भी आते हैं महाबली के दरबार में आते हैं, दर्शन पूजन करते हैं, राम जन्मभूमि जाते हैं, क्या आप रोड शो करने आ रहे हो? अभी तक आपने माफी नहीं मांगी उन राम भक्तों को जो कत्ल किया था। समाज में समरसता, अखंडता, एकता कायम रहे, भारत के सांस्कृतिक उद्भव के लिए संत समाज को एक साथ रह करके राष्ट्र रक्षा के लिए आगे आना चाहिए और सदैव संतों ने दिशा दिया है समाज को और समाज रोटी देता है। भगवान के नाम पर हम लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं, मंदिरों की व्यवस्था चलती है, संतों का ऐसे ही नैतिक रूप से दायित्व बनता है कि हमारे समाज को कालनेमी और मंथराएं कहीं गुमराह न कर दें। इसलिए संत समाज लगातार आज से नहीं आदिकाल से ही समाज को दिशा देते चलाया है, जिसमें हमारे समाज में एकता, अखंडता, समरसता बनी रहे, राष्ट्र रक्षा के लिए संतों ने हर समय अपना योगदान दिया है। उसी क्रम में आज चर्चा परिचर्चा हुई माननीय मुख्यमंत्री जी से। यूक्रेन में फंसे छात्र छात्राओं को लेकर परिजनों में चिंता और दहशत है। मायूस परिजन बच्चों से वीडियो कॉल करके उनके हालचाल जान रहे हैं। इटावा के आधा दर्जन बच्चे वहां फंसे हैं। परिजनों ने केंद्र सरकार से बच्चों को सकुशल वापस लाने की मांग की है। यूक्रेन और रूस में युद्ध जारी है, जहां पर कई भारतीय बच्चे भी फंसे हुए हैं। जालौन की 2 बेटियां और 1 बेटा वहां फंसा हुआ है, जिनके परिजन अब अपने बच्चों की वापसी के लिए अरदास कर रहे हैं। सभी बच्चे यूक्रेन से मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। फिलहाल सभी को युद्ध रुकने और अपने बच्चों की वतन वापसी का इंतजार है। इधर कोई इंडियंस है? सारे लोग हैं।
इस समय हमारी बेटी यूक्रेन के कीव शहर में है, वो वहाँ से MBBS कर रही थी जी। इस साल उसका थर्ड ईयर है जी। तो वहाँ के हालात बहुत बिगड़ गए हैं, रूस द्वारा अटैक होने से वहाँ की स्थिति बहुत ख़राब है। वह कल सुबह 5 बजे से बराबर ब्लास्टिंग हो रही है। तो ऐसे में आपने केंद्र सरकार से कोई मदद क्यों? कल आवेदन किया था कि हमारी बच्ची को सब सुरक्षित वहाँ से निकाला जाए जी। वहाँ से विदेश मंत्रालय से और गृह मंत्रालय से हमको ये आश्वासन दिया गया कि आप चिंता न करें, आपकी बच्ची अति शीघ्र। भारत सरकार से यही मांग है, जितने भारतीय हैं उसके साथ में मेरा बेटा भी है, सभी लोगों को जल्दी से जल्दी निकालने का काम करें। और भारत सरकार कर भी रही है, अभी आया है TV में जी, मोदी जी ने बोला है कि भारतीयों को जल्दी जल्दी निकालेंगे। तो आपका बेटा इस समय यूक्रेन में किन हालातों में है, आपसे बात हुई हो? हालात तो ठीक नहीं है जी। एक्चुअली में रूम से निकल के वो कहीं बंकर रहे वहाँ जी, रेलवे स्टेशन को जो अंडरग्राउंड है मेट्रो उसको बनाया गया है, उसी में जाता है। रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है, इससे वहां अलग अलग शहरों की यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हजारों भारतीय छात्र फंस गए हैं। वहीं सभी में डर का माहौल है। इधर यूपी के हरदोई से MBBS की पढ़ाई करने गई छात्रा वैशाली यादव भी यूक्रेन में फंसी है। इस बीच छात्रा ने परिजनों को वीडियो भेजकर भारत सरकार से वापसी की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि वैशाली यादव पिछले साल अपने गांव की प्रधान भी चुनी गई थी। करेगी तो हम यहां से जाएंगे, और हमने फ्लाइट्स भी करवाई थी जाने के लिए, लेकिन वो अब फ्लाइट सारी कैंसिल हो गई हैं। तो अब हम कैसे आए? हम सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट से ही उम्मीद कर सकते हैं कि वो कुछ करें तो हम लोग को यहाँ से ले जाएं। हम ना बाहर जा सकते हैं कुछ सामान लेने, ना कुछ भी, बस फ्लैट में हैं। अब जब तक का सामान है तब तक फ्लैट में है, आगे की सिचुएशन में कुछ पता नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो यूक्रेन में फंसी कन्नौज जिले की MBBS छात्राओं ने घर वापसी के लिए PM मोदी से गुहार लगाई है। छात्राओं ने परिजनों को स्थानीय हालत की जानकारी दी। छात्राओं ने बताया कि युद्ध के हालात के चलते उन्हें रोजमर्रा के सामानों के लिए परेशानी का सामना करना पड़ता है। यूपी के बुलंदशहर के सिकंदराबाद से गंगा जल लाने निकले दो सगे भाइयों ने अपनी माता और बड़े भाई को डोले में बैठाकर हरिद्वार से घर तक लाने का संकल्प ले लिया। इस दौरान दोनों भाई श्रवण कुमार की तरह डोले में बिठाकर पैदल निकल पड़े हैं। इस बीच बुलंदशहर की सीमा में दाखिल होने पर स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया। खबर यूपी के अमीरपुर से है, जहां रात कोतवाली क्षेत्र के गलिया गांव में पुरानी रंजिश के चलते बदमाशों ने एक युवक पर फायरिंग कर दी। घटना के बाद घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया, जहां से उसे गंभीर हालत में झांसी रेफर किया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। तो वहीं यूपी के कानपुर देहात में आपसी रंजिश के चलते दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जहां फायरिंग और मारपीट में 3 लोग घायल हो गए। इधर गोली लगने से घायल हुए युवक की हालत नाजुक बताई जा रही है। पूरा मामला अकबरपुर के कचनार बगिया गांव का बताया जा रहा है। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है। यूपी के औरैया स्थित अजीतबल कोतवाली क्षेत्र में चोरों का आतंक जारी है। इसी बीच बदमाशों ने एक ही दिन में दो जगहों पर चोरी और लूट की वारदातों को अंजाम दिया। साथ ही चोरों ने बाइक से अपने घर चिटकापुर लौट रहे युवक से हथियार की नोक पर लूटपाट की। दूसरी तरफ बाबरपुर निवासी हरिओम निषाद के घर के बाहर खड़े ट्रैक्टर को लेकर चोर फरार हो गए। क्षेत्र में बढ़ती चोरी की वारदातों से हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। तो A1 उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।